एटीएन लाइव की टीम अब पहुंच चुकी है गोपालगंज मोड़ पे, और यहां का जो नज़ारा है आज जनता कर्फ्यू के दौरान वो आपके सामने है कि किस तरह से ये सड़कें बिल्कुल वीरान दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल, ये गाड़ी उनकी है, या तो बहुत ज़रूरतमंद हैं लोग, उनको कहीं आना जाना है, या कोई पेशेंट बीमार है, दवा लेनी है। ये वैसे ही लोग हैं जो बहुत ज़रूरी है, वही लोग सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। अमूनन लगभग सिवान का हर सड़क का यही हाल है। पूरा ये गोपालगंज जाने का रास्ता है, ये देखिए किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है। गोपालगंज मोड़ पे एक आपको बता दें कि इसी मोड़ पे अंबेडकर पार्क में लगभग 3 महीने से सिवान का शाहीन बाग जो चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री की अपील का असर उन पर भी है। आज देखिए कि इस पूरे इलाके को चादरों से कवर कर दिया गया है, लोग हैं इसमें बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे आइए हम सिवान के उस शाहीन बाग को मैं दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग जो पिछले लगभग 3 माह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और CAA के खिलाफ, ये लोग आज भी उसी शिद्दत के साथ डटे हुए हैं। हम बात करेंगे, सर आप बताइए कि आज जो कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपील जारी किया है, इस पर क्या सोचा है आप लोगों ने और क्या तैयारी की है? कोरोना वायरस जो है नो डाउट कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है दुनिया के कोने कोने में, हम लोग देख चुके हैं, चाइना में देखा, इटली में देखा, जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि जो है कोरोना वायरस बहुत तेज़ी में फैल रहा है। और हमारे भारत में भी जो है तकरीबन कल रात में न्यूज़ में देखा कि 250 तक अभी तक जो है पेशेंट 300 पार कर चुके हैं। तो एहतियात बरतना चाहिए, बहुत अच्छा है जो आज जो है जनता कर्फ्यू है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। इसी वजह से देखे हैं कि हम लोग पर्दे लगा के अंदर जो है बहुत कम तादाद में हम लोग बैठे हुए हैं और जो है जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हैं। साथ में हमारी मांग भी है, हम लोग जो है 2 दिन के लिए, कल भी बंद था माइक, आज भी बंद है, यानी कि मौन ये प्रोटेस्ट चलेगा, साइलेंट प्रोटेस्ट। नाम बता दें अपना। जी, सनाउल्ला खान। सनाउल्ला खान से अभी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये महामारी रोज़ फैलती जा रही है, कल का जो आंकड़ा, आज सुबह जो आंकड़ा आया है वो 300 के पार जा चुका है, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम भी उसमें शामिल हैं, उस मुहिम में शामिल हैं। और हमने, इन्होंने बताया कि 2 दिन के लिए सिवान के इस शाहीन बाग को रोका गया है, यहाँ पे साउंड वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। और देखिए कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत कम संख्या में, हालांकि ये जब से ये शुरू हुआ है यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग दिखाई देते थे, लेकिन आज जो संख्या है हमें लगता है शायद 8-10 लोगों की संख्या है। और ये इसको पूरे कवर्ड कर दिया गया है इस महामारी को लेकर के, प्रधानमंत्री के उस अपील को लेकर के, जो अभी तक कोरोना के लेकर के कोई बीमार, जो ये महामारी है इसका कोई इलाज अभी नहीं ढूंढा जा चुका है, लेकिन एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। आप बताइए, कोरोना जैसी महामारी को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, आप भी उसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सारे लोग शामिल हैं और सब लोग आदर करते हैं, इसीलिए ना हम लोग शांति बना करके इधर चारों तरफ से घेरे लगा के यहाँ हम धरने स्तर पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक चीज़ कहा जा रहा है कि ये आज एक सिर्फ ये एक प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिया जा रहा है, एक ट्रेलर के तौर पे लिया जा रहा है, आने वाले समय में अगर ये महामारी और आगे बढ़ी तो हो सकता है कि 4 दिन या 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए लॉकडाउन करने की नौबत आ जाए। उस परिस्थिति में क्या, उस परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? जी, सारे लोग हम लोग उसको सामना करने के लिए तैयार हैं और इस धरने पे
हम लोग जो अनिश्चितकाल धरना है जो संविधान बचाओ का जी। तो इस पर हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे और इसका आदर करेंगे जी। नाम बता दें अपना। मेरा नाम परवाना शिवानी है। शिवान के रहने वाले हैं जी जी। शायर हैं परवाना शिवानी जी और इनका कहना है कि इस महामारी में पूरा देश शामिल है। इस महामारी में कहीं जात धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए सभी लोग उस प्रधानमंत्री के उस अपील के साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो जैसे परवाना साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे और आगे बढ़ करके उसमें शामिल होंगे। लेकिन जो CAA के खिलाफ NRC के खिलाफ जो इनका प्रोटेस्ट है जो लगभग 3 महीने से ज़्यादा दिनों का हो चुका है वो जारी रहेगा। तो खैर आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ महामारी कोरोना से मुक्ति की और इसी क्रम में हम आपको लेकर के आए हैं सिवान के उस शाहीन बाग में जहां कल तक बहुत लोग ये कह रहे थे कि वो लोग नहीं मानेंगे लेकिन जो परिस्थितियां हैं जो सच्चाई है वो आपके सामने है। यहाँ कोई नहीं है, 2-4 लोग हैं और वो भी एहतियात बरता हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इन 2-4 लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरे इलाके को कवर्ड कर दिया गया है। वाकई देश के साथ जो इन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई है। हम ATN लाइव सलाम करता है ऐसे लोगों को जो इस महामारी से निपटने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग साथ हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये बीमारी किसी को जाति धर्म पूछ करके नहीं आएगी। अगर आएगी और अगर हमारे साथ कुछ होता है तो समझिए कि मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाता है और ये ख्याल सबको रखना होगा कि वो व्यक्ति उस परिवार का अहम बहुत बड़ा मुखिया है, बहुत बड़ा खंभा है और उस खंभे को बचाने के लिए इस महामारी से बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एहतियात बरतना होगा। और ये अगर आगे भी जारी रहा तो ये सभी लोगों ने कहा है कि हम उसके साथ होंगे, प्रधानमंत्री के उस अपील के साथ होंगे। एक सवाल और है सनाउल्ला जी, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, शाम को प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 बजे से लेकर के 5 मिनट का ताली और थाली बजाने का, और ये कोई बीमारी भगाने का नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए। ये ताली और थाली वाली बात जो इतना कन्फ्यूजन है, कल जो है सिवान में हम लोग यहाँ बैठे हुए नगर परिषद के लोग जो अनाउंस कर रहे थे उसमें उन लोगों ने कहा था, वो लोग अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग ताली और थाली बजाइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा उससे कोरोना भाग जाएगा, जबकि ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हम लोग जो है वो जो डॉक्टर या जो टीम जो है जो लगे हुए हैं उनके हौसला अफजाई के लिए जो है ताली और थाली बनाना चाहिए। ये भी जो है नो डाउट की जो है अच्छी पहल है, इसको जी हम लोगों को जो है समर्थन करना चाहिए। और एक और बात यह है, सीमान के लोगों से अपील है कि इस महामारी को रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ा 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का अगर लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ा तो हम लोग को सहयोग करना चाहिए और बिल्कुल जो है इस लड़ाई से हम लोग जो है जाति धर्म ऊंच नीच और जो है एक जो है विरोधाभास को ख़त्म करके जो है बिल्कुल यूनाइट होके एकता के साथ जो इस लड़ाई से मतलब कि इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। बिल्कुल सनाउल्ला जी ने जिस तरह से अपील किया है, हमें नहीं लगता है कि कोरोना को यहाँ से भागने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि उन्होंने जाति धर्म और सभी संप्रदाय से एक साथ आकर के इस महामारी से लड़ने का जो अपील किया है वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और हम सभी देशवासियों को करना भी चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। भेदभाव से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है और न कभी होगा, इसलिए सबको इस महामारी से लड़ने में जो भी अपील जारी की गई है, जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसे आप फॉलो करें। और ATN लाइव के माध्यम से चूँकि हमारे पास भी जो संसाधन है वो सीमित है, हम एक बार पुनः आपसे सभी सिवान के दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अगर शाम को 5 बजे उन डॉक्टरों के
समर्थन में, उन कर्मचारियों के समर्थन में जो इस महामारी से लड़ रहे हैं उनके समर्थन में ताली और थाली बजा रहे हो, अपने बालकनी से, सड़क पे नहीं आना है आपको, अपने घर के छत पे, अपने घर के बालकनी से, तो उसका एक वीडियो बना करके आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और वो आपका हम दिखाएंगे कि किस तरह से सिवान के लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है।